तो आज है डे 3 और आज हमने ये डिसाइड किया कि भुवनेश्वर में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है उसे हम विजिट करेंगे और उसके लिए हमने एक महीने पहले ही प्री बुकिंग कर रखा था OSRTC में। ये एक एसी बस है, ट्रैवलर बस है, बहुत कॉम्फी है, वहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाता है। सो यस, पर पर्सन आई थिंक इट वाज 400 रुपीज़ और 380 या 400 रुपीज़ था। सो बहुत कन्वीनियंट था। हमने जो पहला विजिट किया वो था उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। उदयगिरी में आपको 18 केव्स देखने मिल जाता है एंड खंडगिरी में आपको 15 केव्स देखने मिल जाते हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक है, लेकिन ऐसा मानिए है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिर की वास्तुकला के नमूने में से ये एक है। Then they're starting to worry. उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स के बाद हम गए नंदनकानन जू में। नंदनकानन जू में जो भी वीडियोस मैंने निकाले हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस मैंने निकाले थे। सो उसके बाद हम एक स्टेट म्यूजियम में गए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल था। इस म्यूजियम में एंट्री फीस अडल्ट के लिए 10 रुपीज़ है, चाइल्ड के लिए 2 रुपीज़ और फॉरेन विजिटर्स के लिए 100 रुपीज़। ये म्यूजियम सुबह 10 o'clock से शाम 4:30 तक ओपन रहता है। स्टेट म्यूजियम देखने के बाद हम पहुंचे धौलीगिरी शांति स्तूपा। दया नदी के निकट धौलीगिरी शांति स्तूपा सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध शांति स्तूपा है। जापान बुद्ध संघ ने सन 1970 में धौलीगिरी पहाड़ी के चोटी पर एक सफेद आंबा वाले मंदिर का निर्माण किया। अब ये मंदिर कलिंग युद्ध क्षेत्र का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। उड़ीसा की राजधानी से ये 18 किलोमीटर दूर है। ये है दया रिवर। कलिंगा वॉर में 100,000 लोग इस वॉर में मारे गए थे, जिससे कि ये जो रिवर है पूरा खून से लथपथ हो गया था। दया रिवर को रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है और ये देखकर एम्परर अशोका को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने क्या किया, अपना माइंड चेंज कर लिया और उन्होंने ये धौली स्तूपा बिल्डअप किया टू प्रीच बुद्धिज्म। ये देखिए, ये है अशोका पिलर दैट बिकेम इंडियाज नेशनल एम्बलम। फिर वहां से हम पहुंच गए लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से ये एक है। अंदर फोटोज लेना बिल्कुल अलाउ नहीं था, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे वहां पे। आप बैग नहीं ले सकते, आप प्लास्टिक नहीं ले सकते, आप फोन फोटोज नहीं ले सकते। तो मैंने कोई भी वीडियोज नहीं निकाल पाई अंदर। आई एम वेरी सॉरी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में भी आता है। धार्मिक कथा है कि लटी और वसा नाम के दो भयंकर राक्षस का वध देवी पार्वती ने यहीं पर किया था। कहते हैं कि मध्य युग में यहाँ 7,000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे।
जिनमें से अब लगभग 500 शेष बचे हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यही खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है नंदनकानन जू का, प्लीज देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।